इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी गाड़ी के जो बाहर प्लास्टिक ट्रिम होता है, काले रंग के जो प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए उनको हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन से मेरा मतलब यह है कि अगर उनके ऊपर उनका जो काला रंग है वो हल्का पड़ जाए और उनके ऊपर सफेदी आ जाए। इस वीडियो में हम तीन टेक्निक्स देखेंगे और इस वीडियो के आखिर में तीन और टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि इस वीडियो में नहीं दिखाई गई। और जो टेक्निक्स मैं इसमें आपके साथ शेयर करूंगा उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि उसमें हम ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाएं मार्केट में आसानी आपको मिल सके। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप अपनी कार वॉश करें। कार वॉश के बाद नॉन पीएच न्यूट्रल सोप से या ऑल पर्पज क्लीनर या डिग्रीसर से, और साथ में आप डिटेल ब्रश को इस्तेमाल करते हुए उसे साफ़ करें और मल्टीपल पासेस करें। एक पास से मेरा मतलब ये है कि एक दफ़ा डिटेल ब्रश से साफ़ किया, उसके बाद रिंस किया, और ये पासेस उस वक्त तक करें जब तक आपके रिंस वाले पानी में मैल या मट्टी आना बंद हो जाए। मेरे केस में दो पासेस के बाद ये साफ़ हो गया था, दूसरा पास मैंने इस वीडियो में दिखाया नहीं वीडियो को छोटा रखने के लिए। हमारी जो पहली टेक्निक होगी उसके अंदर दो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होंगे, और पहला प्रोडक्ट होगा मदर्स का हेवी ड्यूटी ट्रिम क्लीनर, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। लेकिन उससे पहले दूसरे प्रोडक्ट को देख लेते हैं। दूसरा, आप कोई भी एक प्रोटेक्टेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने चार कंपनी के प्रोटेक्टेंट दिखाए हैं, लेकिन आप कोई भी एक प्रोटेक्टेंट उठा लें मार्केट से, बेशक आप लोकल प्रोटेक्टेंट उठा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक क्लिंक प्रोटेक्टेंट है, हमारा लोकल मेड प्रोटेक्टेंट है, ये भी बिल्कुल काम करेगा और उतना ही इफेक्टिव होगा जितने के इम्पोर्टेड प्रोटेक्टेंट्स हैं। फ़र्क सिर्फ ये होगा जो कि कंज्यूमर ग्रेड प्रोटेक्टेंट्स होते हैं, जैसे क्लिंक है, ट्रबल वैक्स का है, F21 मेरे ख्याल से, हाँ F21, और आर्मर ऑल ओरिजिनल, ये तीनों कंज्यूमर ग्रेड प्रोटेक्टेंट्स हैं। फ़र्क ये होता है कि ज़्यादातर जो कंज्यूमर ग्रेड प्रोटेक्टेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन छोड़ते हैं पीछे। कुछ लोगों को वो पसंद नहीं होती, लेकिन मैं पर्सनली जैसे कि टर्टल वैक्स वाला है और आर्मर ऑन वाला है, इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करता हूँ ताकि उसकी शाइन रिड्यूस हो, और ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है अगर आप इस तरह इस्तेमाल करें। वैसे आप जो हैं कॉन्सेंट्रेट भी ख़रीद सकते हैं, जैसे कि ये डिस का है, ये जो है हम कोई लड़का है, ये फेसबुक पेज इसका रन करता है, मेरे ख्याल से उसके पेज से ही ऑर्डर किया था मैंने ये, लेकिन मैंने देखा है कि अब वो पार्किंग्स पे भी उसने अपने प्रोडक्ट्स रख दिए हैं और कुछ स्टोर्स पे भी रख दिए हैं, मैंने पर्सनली विजिट किया था तो उधर मुझे नज़र आए थे। लेकिन खैर, इस वीडियो के अंदर जो है मैं खुद से जान के लोकल मेड प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, क्लिंक प्रोटेक्टेंट, ताकि आप ये देख सकें कि अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तभी आप अपने रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकें, आप लोकल प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं अगर आपकी टेक्निक सही है। पहला जो प्रोडक्ट था हमारा मदर्स का हैवी ड्यूटी ट्रिम क्लीनर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ये बेसिकली रिमूव करता है, सबसे पहली चीज़ ये प्रोटेक्टेंट नहीं है, ये सिर्फ क्लीनर है, ये अगर आप इस्तेमाल करें इसे तो ये पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं छोड़ेगा, और जो है ये जमी हुई जो मट्टी होती है प्लास्टिक के ऊपर वो भी रिमूव कर सकता है ये। अगर आपकी वैक्स खुश्क हो जाए, यानी वो सफ़ेद सफ़ेद पीछे छोड़ देती है अपनी, अपना रंग छोड़ देती है, वो भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन है जो कि हम रिमूव करना चाहेंगे, वो भी रिमूव कर सकता है ये। और मैंने देखा है कि अगर आपका ओवर स्प्रे प्लास्टिक के ऊपर हुआ है, यानी कि पेंट का ओवर स्प्रे, वो भी आप इससे रिमूव कर सकते हैं। तो ये बड़ा वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, इसमें बेसिकली ये किट होती है, इसमें एक प्रोडक्ट इटसेल्फ है जो कि 12 औंस का है, 355 ml बनते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है इसमें ब्रश होता है बड़ा सख्त किस्म का, और मैं बेसिकली इसी ब्रश को इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन रिमूव करूँगा और उसके बाद जो है वो हम प्रोटेक्टेंट यूज़ करेंगे जो कि अभी आगे आप देखते हैं। ट्रिम क्लीनर को प्लास्टिक पर लगाने के बजाय अगर आप ब्रश पर लगाएं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रोडक्ट ज़ाया कम होगा,
और एक दफ़ा लगाने के बाद अगर आप अपने उस हिस्से को साफ़, जिसको साफ़ करना है यानी जिस प्लास्टिक को आपने साफ़ करना है, उस पे आपने ब्रश अपना स्क्रब करना शुरू किया और अगर आपको हल्की सी झाग बनती भी नहीं नज़र आ रही, तो आप दूसरी या तीसरी मरतबा भी लगाएं। माइक्रोफाइबर से प्लास्टिक को साफ़ करने के बाद अगर आपके कपड़े के ऊपर काले निशानात आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक मर्तबा और ट्रिम क्लीनर से साफ़ करने की ज़रूरत है। मेरे केस में मुझे दो पास करने पड़े थे, यानी दूसरी मर्तबा भी मुझे साफ़ करना पड़ा था, उसके बाद जाकर कपड़े से साफ़ करने के बाद जो है उस पर कोई काला निशान नहीं आया। ट्रिम क्लीनर को माइक्रोफाइबर से साफ़ करने के बाद उसे प्लास्टिक पर खुश्क होने दें। उसके बाद आपको प्लास्टिक की असल हालत ज़ाहिर होगी, यानी कि उसके ऊपर से डर्ट और ऑक्सीडेशन ख़त्म हो चुकी होगी और उसका रंग जो है वो थोड़ा गहरा और मैट कलर ज़ाहिर होगा आपको। इसके बाद आप इस वक्त तैयार हैं कि आप कोई प्रोटेक्शन प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अगर तो आप सोल्यूशन फिनिश या सिरेमिक कोटिंग वाली डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आपको एक मरतबा आइसोप्रोफिल अल्कोहल यानी IPA वाइप डाउन करना पड़ेगा, IPA से साफ़ करना पड़ेगा। और लेकिन चूंकि ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए टारगेटेड नहीं है, तो मैं एक क्लिंक प्रोटेक्टेंट इस्तेमाल करूंगा जो कि एक लोकल मेड प्रोटेक्टेंट है। और इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने खुद ये पहली मर्तबा इस्तेमाल किया है, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इस प्रोटेक्टेंट से कि ये इतना अच्छा निकलेगा, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ इसकी परफॉर्मेंस से। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन, यानी कि आपके जो इम्पोर्टेड कंज्यूमर ग्रेड प्रोटेक्टेंट्स होते हैं उससे उस जितने हैं या कुछ उनसे बेहतर है। एक चीज़ आप नोट करें कि प्रोटेक्टेंट को मैंने प्लास्टिक के ऊपर स्प्रे नहीं किया। उसकी वजह यह है कि प्रोटेक्टेंट पेंट पर भी लग सकता है, तो इससे बचने के लिए मैंने प्रोटेक्टेंट की जो स्प्रे वाली बोतल है उसे डायरेक्टली प्लास्टिक के ऊपर टच किया है और हल्का सा उसका ट्रिगर प्रेस किया है। इससे जो है स्प्रे बॉटल से एक एक कतरा करके जो है वो प्रोटेक्टेंट निकलता है। इस तरह से 3 या 4 कतरे जो हैं वो मैंने प्रोटेक्टेंट के लगाए हैं प्लास्टिक पर और पुराने वैक्स एप्लीकेटर पैड से उसे अप्लाई किया है।